रूस की पाकिस्तान को गैस की फराहमी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सदर पुतिन की समरकंद में मुलाकात। कहा पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस की सप्लाई मुमकिन है, गैस पाइपलाइन के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम शराकत दार के तौर पर देखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बरदारी का मजीद मौसर किरदार ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई तावन तंजीम इजलास के लिए दौरा उज़्बेकिस्तान। समरकंद में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के साथ तुर्की, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर की मुलाकातें हुईं। आलमी रहनुमाओं से सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया। तावन की यकीन दहानी, वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बहाल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिए। आर्मी चीफ ने कहा कि हंगरी के तावन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ की हंगरी के कमांडर डिफेंस फोर्सेज से भी मुलाकात हुई। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। मुझे अब ये खौफ आ रहा है कि ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है कि इस मायशत को गिरने से रोकने का। ये जितनी देर तक ये अब इस तरह का सियासी इस्तकाम नहीं आएगा, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो ये नहीं आएगी, मुझे अब ये खौफ है कि ये मायशत किसी सूरत अब इस्तकाम पे नहीं पहुंच सकती। पीटीआई को दीवार से लगाया जाता रहा तो कौम को कॉल देनी पड़ेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं जब तक सियासी इस्तकाम नहीं आएगा रुपया गिरता रहेगा। इलेक्शन ना कराने के लिए जो मर्जी बहाने करें लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। हुकूमत के पास गिरती मायशत को संभालने का कोई तरीकाकार नहीं। मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शरायत मानी और तारीखी महंगाई हुई। IMF पर गया मिलने के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है। टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब जदगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर, आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फोटो सेशंस के लिए। सैलाब जदगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं। इमरान खान का मसला हल करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं। मरियम नवाज़ कहती हैं मुल्क दुश्मनों ने इमरान को पैसे देकर बर्बादी के लिए लॉन्च किया, वो फितना और फसाद फैला रहे हैं, मुल्क के लिए भी ख़तरनाक हैं, किसी फॉरेन फंडेड को इख्तियार नहीं, वो बताए इलेक्शन कब होने हैं। मरियम नवाज़ एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत पर पेश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मजीद समाअत 20 सितम्बर को होगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के केस में जमानत पर रिहा। अडियाला जेल के बाहर पार्टी कारकुनान ने शहबाज गिल का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल को 5 लाख के मुचलकों के अवैज रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत बगावत को नहीं मानती, बगावत का कानून अंग्रेज दौर का है, सरकारी वकील इस पर दलाए ना दें। क्या मसाला वाज की जानब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई है? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। मेहमान टीम के कप्तान जोस बेटलर कहते हैं क्रिकेट सीरीज से सबको मुतहद करना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाक इंग्लैंड 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। 4 मैच कराची और 3 लाहौर में खेले जाएंगे।
वर्ल्ड कप दौरे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ शामिल। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शाहीन शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान कातिर भी शामिल। शुएब मलिक, सरफराज अहमद और हसन अली टीम में जगह बनाने में नाकाम। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं शाहीन शाह और फखर जमान इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्क में जरूरी अशिया खुरनोश की कोई किल्लत नहीं, नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने वाज़े कर दिया। गजाई तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए गंदम, चावल, मकई, आलू और दीगर अशिया जरूरिया वाफर मकदार में मौजूद हैं। सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग, वफाकी वजीर अहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की ज़ेर सदारत इजलास। मंचर झील की सतह घिरने लगी, मगर सिलाबी रेला अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर गया। कई देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके, स्कूल और अस्पताल से रियाब, सड़कें और पुल टूट गए। हज़ारों अफराद घरों से बेघर होकर इमदाद के मुंतजर। कई इलाकों में गंदे पानी से वबाई अमराज फूटना शुरू। बलोचिस्तान में भी सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी का जैकबाबाद और जाफराबाद का दौरा, ट्रैक की सूरत हाल और बहाली के काम का जायज़ा लिया। खम्बर में सेशन जज का नसीराबाद राइस मिल्स के गोदाम पर छापा। मुतासरी ने सैलाब के लिए लाए गए बड़ी तादाद में खैमे और दीगर सामान बरामद। पीपल्स पार्टी के काउंसलर और राइस मिल्स के मालिक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। सेशन जज जाहिद हुसैन ने इमदादी सामान समेत खैमों की गिनती करके राइस मिल के गोदाम को सील कर दिया। सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब सदा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ने नसीराबाद और डेरा मुराद चमाली में आर्मी के फील्ड मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर से मुलाकात की। कहा नौजायदा बच्चे और खवातीन सैलाब से शदीद मुतासर हुई, हर मुमकिन खुराक और तिबी सहूलियात मुहैया की जाएँ। हैज़ा और टाइफाइड से मुतासर अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। कराची में हॉक्स पे पर ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई। डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली 25 करोड़ मालियत की 5 करोड़ पेनाडोल गोलियां बरामद। पेनाडोल गोलियां मार्केट में ना होने पर मरीज शदीद परेशानी का शिकार। दूसरी जानब फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हुकूमत के साथ मामला तय, बुखार की दवाओं की पैदावार बहाल करने का ऐलान। हुकूमत की पैरासीटामोल के खाम माल की कीमत में 10% कमी की यकीन दहानी। जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इमरान खान और महमूद खान को जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपये जुर्माना किया। 10 सूबाई वज़रा और मुशीरों पर भी जुर्माना आयद किया गया। हज़रत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात आज भी जारी रहेंगी। मज़ार अक्दस पर मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 979 में उर्स की तकरीबात का आगाज़ रस्म चादरपोशी से हुआ। तकरीब में मुशीर वज़ीर आला रिफाकत गिलानी समेत नामवर शख्सियात और अकीदतमंदों की शिरकत। तारीख बदल गई, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला नहीं कर पाई। वजारत खजाना को वजीर खजाना के हुक्म का इंतजार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वजीर आजम के साथ बैरून मुल्क दौरे पर हैं। हुकूमत ने आज रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक ऐलान करना था। तर्जुमान ओगरा ने भी रात 12 बजे कीमतों के तायुन के ऐलान का ऐलानिया जारी करना था। पेट्रोल पम्प्स पर पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी हमनसब शी जिनपिंग को वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की यकीन दहानी कराई है।
उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होने वाले शंघाई तआवुन सरबराही इजलास के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से साइडलाइन पर मुलाकात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात रूस चीन शराकतदारी को मजीद गहरा करेगी। ताइवान से मुतालिक अमरीकी इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। यूक्रेन के मामले में चीन की मुतवाजन पोजिशन की कदर करते हैं। आलमी बैंक ने 2023 में दुनिया भर में किसान बाजारी का खर्चा जाहिर कर दिया। आलमी बैंक ने कहा दुनिया आलमी किसान बाजारी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर के मरकजी बैंक बयक वक्त महंगाई से निपटने के लिए शरा सूद में इजाफा कर रहे हैं। बैंक ने एक नई तहकीक में कहा कि दुनिया की तीन बड़ी मशतें अमरीका, चीन और यूरो एरिया तेजी से सुस्त रवि का शिकार हैं। अगले साल के दौरान आलमी मशत के साथ बाजारी का शिकार हो सकती है। इसमें कहा गया कि 1970 के बाद के साथ बाजारी के बाद की बहाली के बाद आलमी मशत अब सबसे ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास ने कहा आलमी तरक्की तेजी से सुस्त हो रही है।